ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है। नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत वापस ले ली है। पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत वापस ली है। कोर्ट में नाबालिग के साथ उसके पिता और दादा भी पहुंचे थे और वापस ले ली गई है शिकायत। इससे पहले नाबालिग की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पहलवान ने शिकायत दर्ज कराई थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप, लेकिन अब ये सभी आरोप वापस ले लिए गए हैं। नाबालिग महिला पहलवान की ओर से शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, पिता और दादा दोनों मौजूद थे और इस मौजूदगी में शिकायत वापस ली गई, इसके पीछे की वजह क्या है? जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से नाबालिग लड़की के द्वारा जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसी शिकायत के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला रजिस्टर किया गया था, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि बाद में इस मामले में नाबालिग लड़की के द्वारा अपना एक स्टेटमेंट जो है वो वापस लिया गया है, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा अब तक कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में नाबालिग लड़की से जुड़ा मामला है, लिहाजा इस मामले की जो तमाम स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने ही रखा जा रहा है। इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से ये जानकारी निकल के आ रही है कि लड़की अपना अगर स्टेटमेंट वापस लेती है, अपनी शिकायत अगर वापस लेती है, तो निश्चित तौर पर इसका जो एक फायदा है वो कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ब्रजभूषण सिंह, उनको इस मामले का फायदा मिल सकता है। ठीक है, शंकर धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ली है, अपनी स्टेटमेंट वापस ली है, जिसका असर जाहिर सी बात है केस पर भी पड़ेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है।